नमस्कार। देश के मौजूदा माहौल और कोरोना वायरस के आतंक ने हमारी परंपराओं को, हमारे त्योहारों को कुछ फीका फीका सा कर दिया है। महिला दिवस जैसे आयोजन भी हल्के फुल्के तरीके से और बड़े फीके अंदाज में मनाए जा रहे हैं। अभिव्यक्ति के इस अंक में हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, अपनी परंपराओं पर बात करेंगे, महिला दिवस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस बार इस अंक में हमारे पास और क्या क्या है खास अपनी हेडलाइंस में। आखिर महिला दिवस का क्या है मतलब? हर बार से कैसे अलग है इस बार हमारे देश का महिला दिवस? अभिव्यक्ति के खास सेगमेंट बात मुलाकात में कला संस्कृति और साहित्य जगत की जानी मानी शख्सियतों की नजर में आज कहां खड़ी हैं महिलाएं, और साहित्य कला और संस्कृति की परिक्रमा में देखेंगे कला और परंपरा के कई रंग। तो सबसे पहले अपनी कवर स्टोरी में हम चर्चा करते हैं महिला दिवस की और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के दौर में भी आखिर क्यों सड़कों पर आने को मजबूर हैं महिलाएं और क्यों महिला सुरक्षा का सवाल आज भी बेहद अहम है। पहली तस्वीर। पिछले 3 महीनों से देश की तमाम मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर हैं। उनका साथ देने के लिए मजहब और जाति की दीवार तोड़कर तमाम संगठनों से जुड़े लोग और खासकर महिलाएं भी बीच बीच में सामने आ रही हैं। वक्त लंबा हो गया है और इससे उठे सियासी बवाल, भयंकर हिंसा, आगजनी और मौत के घिनौने खेल ने सबके भीतर एक खौफ का माहौल और नफरत की दीवार खड़ी कर दी है। फासले बढ़ते ही जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर। निर्भया गैंग रेप के बाद कानूनी दावपेच और फांसी की सियासत ने महिला सुरक्षा का मजाक बना दिया है। कुछ महीने पहले हैदराबाद में भीड़ इंसाफ करती है तो कई जायज सवाल उठ खड़े होते हैं। पुलिस के आंकड़े बढ़ते गैंग रेप महिलाओं के खिलाफ अपराधों की कहानी बयां करते हैं। महिलाओं को घरों से निकलने में डर लगता है। तीसरी तस्वीर। सोशल मीडिया में महिलाओं का मजाक और उनके बारे में तमाम आपत्तिजनक टिप्पणियों का बाजार गर्म है। ग्लैमर के बाजार में महिलाओं का चेहरा और फिगर बेधड़क बिक रहा है। चौथी तस्वीर। कामकाजी महिलाओं के लिए दफ्तरों में हालात बदतर हैं। घूरती निगाहें, ऊटपटांग टिप्पणियां, नौकरी बचाए रखने के लिए बहुत कुछ सहने की मजबूरी और शिकायत करने पर जांच के नाम पर होने वाले मजाक। ऐसी तस्वीरों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाना हमारी मजबूरी है। तमाम दिवसों की तरह एक दिन महिलाओं के बारे में बड़ी बड़ी बातें, सम्मान और आत्मसम्मान का खेल। सोशल मीडिया पर साझा होने वाली तस्वीरें और पीएम का ये ऐलान कि 8 मार्च को उनका सोशल मीडिया महिलाओं के हवाले रहेगा, सचमुच अपने देश की महिलाओं के सम्मान के लिए कितने चिंतित और गंभीर हैं हम। 1908 में न्यूयॉर्क में जब 15,000 महिलाएं रोजगार, नौकरी के घंटे कम किए जाने और बेहतर वेतन के सवाल पर सड़कों पर उतरी, और उसके बाद 1910 में कोपेनहेगन में 17 देशों की कामकाजी महिलाओं की कॉन्फ्रेंस हुई और 1911 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा, तब किसी को ये अंदाजा भी नहीं होगा कि आज 109 साल बाद भी महिलाओं की हालत तकरीबन वैसी की वैसी ही रहेगी। वक्त के साथ महिलाएं तमाम क्षेत्रों में अपनी जिद और लगन से आगे जरूर बढ़ेंगी, लेकिन उनको लेकर जो नजरिया है वो पहले से भी ज्यादा दकियानूस हो जाएगा। बातें बड़ी बड़ी होंगी, लेकिन महिलाएं बस महिलाएं ही रहेंगी। चलिए इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएं और कुछ बड़ी बड़ी बातें करें। अभिव्यक्ति डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। और अब आपको मिलवाते हैं उन खास कामयाब महिला शख्सियतों से जिन्होंने हमारे साथ बात मुलाकात में अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग सवालों पर खुलकर बातचीत की। इन तमाम शख्सियतों ने कामयाबी के इस मुकाम को कैसे छुआ,
कैसे यहाँ तक पहुँची और महिलाओं के सवालों पर इनका अपना नज़रिया क्या है, ये एक बार फिर हम देखने की कोशिश करते हैं इस खास सेगमेंट में। मेरे ऊपर मुख्यतः बच्चे पालने की जिम्मेदारी आई। बच्चे भी तीन लड़कियां थीं तो हमारा समाज जैसा है तब और भी मुश्किल था, अब भी मुश्किल तो है ही, वरना इतनी भ्रूण हत्याएँ नहीं होती, वरना तो इतनी बलात्कार भी नहीं होते कि लड़कियों के लिए क्रूर ही रहा है। तो मुझे भी बहुत ताने उलाने तो क्या कहूँ उन्होंने दिए, लेकिन मैंने उसे चुनौती की तरह लिया तो मैं सब भूल गई अपना कि मैं पढ़ी भी थी। मैं बच्चों की परवरिश में लग गई और मैंने सोचा कि इनको मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी, मतलब बनाऊंगी तो क्या, ऐसी प्रेरणा तो कम से कम दूंगी कि ये कुछ बन के दिखाएं, इनका व्यक्तित्व हो, क्योंकि स्त्री का व्यक्तित्व ही नहीं होता, अस्तित्व में तो ले आए हम। तो वो मैं उसमें सफल हुई, या बच्चियाँ सफल हुई, उनकी मेहनत थी कि वो तीनों डॉक्टर हुई। मेरी बेटी ने ही कहा कि मम्मी लिखो, ज़्यादातर तो माएँ कहती हैं बेटियों से, लेकिन मेरी बेटी ने कहा मम्मी लिखो। मैंने कहा कि क्या लिखूं, तो मैं आपसे क्या कहूँ अतुल जी, मैं तो अपना नाम भी भूल गई थी। तो मैंने उससे कहा मेरा नाम क्या है बेटा, मैं तो मिसेस शर्मा हूँ, मैं तो बरसों से यही सुनती आ रही हूँ, 25 साल हो गए थे मेरी शादी को तब तक। तो कहने लगी नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों सोचती हो अपने नाम से। तब मैंने पहली कहानी लिखी। घरों में अक्सर जब स्त्री कुछ करना चाहती है तो उसे रोका जाता है, इसलिए रोका जाता है कि पुरुष के मन में पुरुष से ही डर होता है और किसी से डर नहीं होता, पुरुष से ही डरता है कि बाहर निकलेगी तो किसी पुरुष के चंगुल में आ जाएगी, या किसी पुरुष से दोस्ती कर लेगी, या जैसा भी है। तो घर का पुरुष ये सोचता है कि बाहर के पुरुष से बचा के रखूं इसको, विरोध ये है और कोई विरोध नहीं है। वो स्त्री का पुरुष से विरोध नहीं है, पुरुष का पुरुष से ही विरोध है, उसी से बचाता है वो, है इसलिए उसे बाहर नहीं निकलने देता। अभी तक तो यही था, जो मैं सुनती हूँ जो अनुभव हैं वो रुकावट के तो हैं, और रुकावट हमारे पिता भाई और पति डालते हैं सिर्फ इस समाज से डर के, असुरक्षा से डर के। जिस दिन स्त्री पे भरोसा करने लगेंगे पुरुष घर के, उस दिन काहे का विरोध। स्त्री विमर्श में इसे मानती हूँ कि परिवार से लेके समाज तक आप इस तरह चलें कि ऐसा दंगा ना हो कि सब कुछ बिखर जाए। तलाक तो एकदम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, निभा के चलना बहुत मुश्किल बात है। इसलिए कहती हूँ कि जो स्त्री विमर्श की बात आप मेरे से पूछ रहे हैं, मेरे उपन्यासों में सारों में कोई नायिका घर छोड़ के नहीं गई। एक बात और जो मैं स्त्री विमर्श का इसे जो आपको रणनीति बता रही हूँ ना, वो ये है कि ये आया है कि वो एक कहेगा तो हम चार सुनाएंगे, क्योंकि हम तो हम हैं, हम तो स्त्री विमर्श कर रहे हैं तो हम क्यों चुप रहे हैं। लेकिन कभी छोटे पड़ जाना भी बड़ा हो जाना होता है। लेकिन जो आप पूछ रहे हैं मुझे कि आजकल जो चल रहा है, आजकल तो आनंद का है स्त्री विमर्श, आजकल संघर्ष का नहीं है, हैं? आजकल क्या संघर्ष है, कोई मुझे बताए? सब कुछ बड़ा इजीली मिल रहा है। लिखना उतना आसान और संभव नहीं रह गया है, या अंदर से हम उतने उन्मुक्त नहीं महसूस करते जितना गांधी और नेहरू के समय में करते थे। तब ये लगता था कि हम इतने आज़ाद हैं, वो जो आज़ादी की परिकल्पना थी वो मनुष्य तक, व्यक्ति तक आ गई थी। आज आपको गलत समझे जाने की गुंजाइश इतनी बढ़ गई है कि ज़्यादातर बुद्धिजीवी इसका शिकार हो रहा है। बुद्धिजीवियों के सामने आज खतरा ये है कि किसी भी समय आपकी किसी भी बात को कोई और रंग देकर, राजनीतिक रंग देकर ये कह दिया जाएगा आप तो देशद्रोही हैं। तो कोई भी व्यक्ति ये पहलू खान बनने से और अखलाक बनने से जाहिर कतराता है, अपनी जान देकर कोई लेखक नहीं बनना चाहता। लेकिन
अपनी शान भी रखना चाहते हैं हम। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमको एकदम मरगिल्ला लेखक माना जाए। हम फिर भी असहमत रहेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि लेखक, कलाकार, चित्रकार, संगीतकार, ये इत्र का हरावल दस्ता है। हम लोग लगातार अपनी बात कहेंगे। अब जो समय है वो तो थोड़ा सा खिलाफ समय है, ऐसा लगता है हवा खिलाफ है। कि स्त्री की स्थिति पर बहुत गहरी चिंता महादेवी वर्मा 1934 से करती आ रही है। 1934 में उनका निबंध आया था श्रृंखला की कड़ियां, और उनके बहुत सारे निबंध आए थे उस समय। तो अब देखिए स्त्री विमर्श की अवधारणा बहुत पुरानी है, लेकिन उसको इतना जो ढोल पीटू वाला एक हंगामा जैसा बना दिया गया, ये काम राजेंद्र यादव ने किया। तो उन्होंने जब हंस पत्रिका को का पुनर्स्थापन किया, अब वो सोचते थे कि आखिर कौन से मुद्दे उठाए। वो थे भी, वो स्त्री समर्थक थे और वो दलित समर्थक भी थे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें अपनी पत्रिका को लोकप्रिय भी करना था, उनको बाजार में खड़े रहना था। तब उन्होंने उसके अंदर देह विमर्श और देह मुक्ति वाली बात उन्होंने डाल दी। उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि देह मुक्ति की बात वो जब करेंगे तो ये एक कटपीस आंदोलन बन जाएगा। और वो इसलिए बन गया क्योंकि जो मीडियोकर राइटर्स हैं, जो एकदम औसत दर्जी की लेखिकाएं थीं, उन्होंने इसको एक बहुत अच्छा अपने लिए नाप पाया। उन्होंने इसको बहुत अच्छा एक मानक पाया अपने लिए कि इस पर लिखना कितना आसान है। अपने बेडरूम की बातें या दूसरे के बेडरूम की बातें बना बना कर लिखना या देख देख कर लिखना, जान जान कर लिखना बहुत आसान होता है। उसमें आपको ये लगता है, आपको लगातार अंदर से फीलिंग आता है कि आप क्रांति कर रहे हैं, लेकिन वो क्रांति नहीं होती है। आप एक बार फिर उन्हीं हाथों में चले जाते हैं जिन हाथों से निकलने के लिए आप छटपटा रहे थे। सारा का सारा आंदोलन राजेंद्र यादव के हाथों में चला गया। मैं ये मानती हूँ कि हमारे देश में स्त्री विमर्श एक भटका हुआ आंदोलन। जब मैं बहुत ही छोटी थी, मेरे पिताजी और माताजी कहते थे कि हर जैसे बच्चे में ऊर्जा होती है, तो मेरे में भी बहुत ऊर्जा कि अब मैं, माँ अब मैं क्या करूँ, माँ अब मैं क्या करूँ। तो कह रहे थे तुम्हारे माँ मैं अब मैं क्या करूँ से इतनी थक गई थी कि चलो नाचो। तो लेकिन वो तो मजाक का था, लेकिन वो ही मुझे ले गई साधना बोस जी के पास, जो उस ज़माने की बहुत ही मशहूर डांसर एक्ट्रेस थी। और मेरा जन्म कलकत्ते का है क्योंकि मेरे फादर वहाँ पोस्टेड थे। और फिर वो भी मेरा साइज़ देख करके इतना घबरा गई और बंगाली में कहने लगी कि तुम गोद का बच्चा मेरे पास लेकर आई हो। लेकिन फिर मुझे कहा जाता है कि वो गोद का बच्चा उनको उनका सबसे प्यारा बच्चा हो गया था, और उन्होंने खूब मन से सिखाया। मेरे पिताजी उसके बाद तो बॉम्बे उनका तबादला हो गया था, तो वहाँ गुरु कुंदन लाल सिसोदिया उनसे शिक्षा मुझे मिली। और जब मेरे पिताजी का तबादला दिल्ली हुए, तो फिर हम यहाँ जब दिल्ली आए तो पंडित बिरजू महाराज जी से। तो और उस समय तो बहुत ही, और मैं कहूँगी कि हमारे तीनों गुरुओं ने बहुत कुछ दिया है। अगर एक ने ता थे तत् सिखाया, शुरुआत किया और मूवमेंट सिखाए, तो हमारे दूसरे गुरु ने कथक की जो टेक्निकल इंट्रिकसीज है उस पर जो है पूरा ध्यान दिया। और जहाँ तक महाराज जी का सवाल है कि उसमें कैसे रमना चाहिए, हर एक एस्थेटिक मूवमेंट की जो एस्थेटिक है उसकी उसकी अपनी भावना है, अपनी बॉडी की आकृति में कैसे ढालना चाहिए, उसको मनन उस पर कैसे करना चाहिए, और हर एक मूवमेंट आँख कहाँ जाना चाहिए ये जान के, और फिर वो उनसे पूरी जो एक बारीकियाँ जो थी उन्होंने बहुत खूब किया, कलाई किस तरह से मूव करना चाहिए इस तरह से। मेरे लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि मुश्किल था, क्योंकि बचपन से ही एक तरह से आप कहिए कि दोहरी जिंदगी जी रही थी। एक तरफ हमेशा डांस था, क्योंकि डांस नृत्य और कथक मेरे लिए मेरी आत्मा थी, मेरी सांस थी। तो अब आप अपने आत्मा और सांस के से तो अलग नहीं रह सकते। और दूसरी तरफ पढ़ाई थी, तो वो और मुझे ये था कि मैं क्लास में खूब अच्छा नंबर ले आऊँ, तो
तो भगवान की दया से हमेशा फर्स्ट ही टॉप करते आ रहे थे। तो उसमें भी अपनी एक, और यहाँ भी अच्छा करना था, तो फिर एक वो आदत सा बन गया था। सिविल सर्विस में है कि तो उस समय फिर आप जब आप आपका नाम भी हो जाता है एज एन एस्टैब्लिश डांसर, सिविल सर्विस एंट्री करने के पहले ही एज एन एस्टैब्लिश डांसर, जीवन एक जिग्सॉ पजल की तरह है। ऐसा लगता है कि वो उसमें पैटर्न नहीं बनेगा, लेकिन जब आप उसको कॉन्सेंट्रेशन और लगन के साथ करें और एक पैशन के साथ करें, तो फिर वो सब कुछ बैठ जाता है और वो उसकी पैटर्न अपने आप निकल आती है। जितना इंडिया में लोग रिलीजन को समझते हैं, उससे ज़्यादा जैसे जो मीरा हम दिखाते हैं, उसकी ज़िंदगी में कोई कृष्ण नहीं है, कभी रोज रोती नहीं है। क्योंकि मेरा ये सोच था जब मैं बना रही थी मीरा, कि हम सब में औरतों में एक मीरा है जो एक अपने लिए एक स्पेस ढूंढ रही है, और वो स्पेस 400 साल पहले उसका पर्दा था, उसको निकल सकती थी। आजकल तो चार दीवारों से एक औरत कैसे निकल सकती है। तो ऐसी मीरा दिखाइए जिसने हर बंधन को तोड़ के अपने आप को वो फ्री किया कर लिया। चुनौती तो एक भी नहीं थी, ये मेरा एक पैशन था कि शूट करते जाओ और हमेशा डांस में मूवमेंट को शूट करो। ये नहीं कि मुझे डांसर की फ़ोटो फेस देखनी है, मुझे उसका जो मोशन है, मूवमेंट है, वो मुझे कैप्चर करना है, बेशक आउट ऑफ फोकस हो। और थिएटर में मैं चाहती थी उसका एक्सप्रेशन कैप्चर हो। और म्यूज़िक में हमेशा मुझे बहुत फोटोग्राफर से कंप्लेंट आता था कि सामने माइक के स्टैंड है, कहीं दिखता नहीं। तो मैंने उसको कभी एक बंधन नहीं समझा, मैंने उस बंधन को पार करके विंग्स में कलाकार के पीछे हर और अन्य जगहों से उनकी फ़ोटो लेने का प्रयत्न किया, तो शायद वो थोड़ा सफल हुआ होगा। हाँ, पर यह है कि मैंने बहुत बहुत प्रयत्न 30-35 साल लगातार किया है। उसमें तीन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ हाथ है, मेरे फादर, मेरे हस्बैंड और इब्राहिम अलकाजी, जिन्होंने बहुत मुझे पुश किया कि नहीं शोभा, तुम्हारी फ़ोटो बहुत अच्छी है। मेरे फादर, जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी शायद 1963 में, और वहाँ मुझे मैं अपने हस्बैंड से मिली जिनसे मेरी शादी हुई, उन्होंने मेरे फादर ने शादी के पहले और मेरे हस्बैंड ने शादी के बाद कभी भी मुझे नहीं रोका अपने काम से। और मैं ये सोचती हूँ कि ये बिल्कुल सच है कि मैं नहीं देखती किसी और बिजनेस हाउस में, मतलब लोगों के बहुत पैसा है, उस तरफ जो सोसाइटी की तरफ करना चाहिए वो बहुत कम होता है। हम चिट्ठी भी लिखते हैं कई लोगों को कि थोड़ा स्पॉन्सर मिले तो और भी अच्छा होगा, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। मैं सोचती हूँ उद्योगपतियों का एक होना चाहिए टुवर्ड्स सोसाइटी कि वो कुछ करें। जब तक कॉर्पोरेट का सपोर्ट नहीं होगा कल्चर को, तब तक कल्चर को बहुत ऊँचा ले जाना बहुत मुश्किल है। जैसे इन अमेरिका देयर इज़ द कैनेडी सेंटर, तो उनको पूरा सपोर्ट है कैनेडी फैमिली का। तो ये सब जो चीज़ें हैं बहुत इम्पोर्टेंट है कल्चर को एक बढ़ावा देने के लिए। मैं जानती नहीं, एक जो अंबानी की शादी में एक अंग वस्त्र दिया 1.5 लाख रुपए का, एक कार्ड दिया 2 लाख रुपए का, थोड़ा उसमें एक बूंद भी अगर कल्चर के ऊपर स्पेंड करें तो बहुत अच्छा होगा। ये योग तो हमारी पारंपरिक पद्धति है ही जिसको हम जानते हैं आज, लेकिन कहीं ना कहीं नृत्य भी एक थेरेपी है। जब हमने नृत्य के विषय में और पढ़ा, जो उसकी हिस्ट्री को पढ़ा, तो ये अनुभव हुआ कि वैदिक काल में नृत्य के माध्यम से ट्रीटमेंट्स किए जाते थे, और चाहे वो हमारे हस्तक हैं, मूवमेंट्स हैं, चाहे हमारे भाव हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उन सब के माध्यम से जितने भी विकार हैं तन के और मन के, वो सब शरीर से बहार निकलते हैं। आप देखिए 9 रस हैं, हम सब के भीतर हैं, लेकिन दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि मनुष्य एक ही रस में या मैक्सिमम 2 रस में पूरा जीवन निकाल देता है। जिसको गुस्सा बहुत आता है वो गुस्से में ही है, जो दुखी है वो दुख में ही जी रहा है। लेकिन जब आप एक नर्तक होते हैं तो आप उन 8 रसों को जीते हैं और 9वें रस की ओर बढ़ते हैं, जो कि है शांत रस। यानी 8 रसों को जब आप नियंत्रित कर लेते हैं तब आप पीस की तरफ, शांत की ओर बढ़ते हैं। तो जब उसे उसके थेरेप्यूटिक एलिमेंट पर काम किया तो अनुभव किया, आप एक्यूप्रेशर करते हैं, आप अपने पैरों के अलग अलग पॉइंट्स को प्रेस करवाते हैं, लेकिन जब आप तत्कार करते हैं
तो आपके पैरों के पॉइंट्स अपने आप प्रेस हो जाते हैं, फिर जितनी आपकी स्ट्रेचिंग्स बेंडिंग्स हैं, जितने नृत्य में कर्ण होते हैं भरतनाट्यम में, वो कहीं ना कहीं योग के आसन ही हैं, वो हमने अनुभव किया। फिर जो हम मुद्राएं करते हैं, यानी इस मुद्रा में आए तो नृत्य की मुद्रा बन गई, यही मुद्रा जब यहाँ आ जाती है तो वो योग की मुद्रा बन जाती है। तो मुद्राओं के माध्यम से हीलिंग्स और ट्रीटमेंट्स, और सबसे मुख्य भाव, यानी हमारे भाव जगत का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं कि मन पर काम करके हम तन को भी स्वस्थ कर सकते हैं। वो हमने डांस थेरेपी के माध्यम से किया और उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने आसपास देखे जो डांस थेरेपी के माध्यम से उनको हमने हील किया, यानी जो जिसे हम कहते हैं नर्तन से कीर्तन की स्थिति, यानी नाचते नाचते आप एक उस स्थिति में चले जाते हैं कि फिर आपको कुछ ध्यान नहीं रहता, ना मैं प्रतिष्ठा हूँ, ना मैं गुरु हूँ, ना मैं पत्नी हूँ, ना मैं पुत्री हूँ, ना मैं माँ हूँ, आप सिर्फ परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उस स्थिति को ही हम मेडिटेशन की ट्रांस कॉन्शियसनेस की स्टेट कहते हैं। अब हम बात करते हैं होली जैसे त्योहार की, अपनी इस खास परंपरा की जो एकता और सांप्रदायिक सौहार्द का एक नमूना रही है। सदियों से यह परंपरा हमारे समाज में एक अहम मुकाम की तरह आम लोगों के दिलों में बसी हुई है, लेकिन इस बार माहौल कुछ बदला बदला सा है, फिजा कुछ बदली बदली सी है, होली के रंग कुछ फीके हैं। आखिर क्यों है ऐसी हालत, जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। ये हमारी सदियों पुरानी परंपरा है। ब्रज की होली के अलावा देश के तमाम हिस्सों की अपनी अपनी रंग बिरंगी परंपराएं। होली यानी एकता और अखंडता का प्रतीक। सारे शिकवे भूलकर गले मिलने का त्योहार। लेकिन इस बार फिजा कुछ बदली बदली सी है। हर कोई एक दूसरे से बचता फिर रहा है, हाथ मिलाने से भी घबरा रहा है, कहीं कोरोना वायरस उसके रंग में भंग ना कर दे। बाजार सूने हैं, व्यापार मंदा है, लोगों में दहशत है, हालात ऐसे बिगड़े कि दिलों की दूरियां भी बढ़ गई। एक दूसरे पर संदेह करने और फासले बनाकर रहने का मौसम आ गया, पहले वाली बात नहीं रही। लेकिन परंपरा तो परंपरा है, जहां होती है अब भी जमकर होती है। मस्तों की टोली आज भी निकलती है, बेशक इसमें सियासत का रंग घुल गया हो, लेकिन रंग तो रंग है। इसी में जिंदगी को तलाशिए और परंपरा के साथ थोड़ी खुशियां भी लाने की कोशिश कीजिए। अभिव्यक्ति डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। और अब कला, साहित्य और संस्कृति की दुनिया में होने वाली हलचलों की एक झलक देखते हैं अपने खास सेगमेंट परिक्रमा में। दिल्ली की ललित कला अकादमी में राष्ट्रीय कला मेला और 61वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी की भव्य शुरुआत हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। उनके साथ दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम पचारणे और जाने माने शिल्पकार राम वी सुतार भी मौजूद थे। इस दौरान इस साल अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित 15 कलाकारों की कला और शिल्प की प्रदर्शनी लगाई गई है। कला मेले में लगाए गए 170 स्टॉल्स में 500 से ज्यादा कलाकारों के काम आप देख सकते हैं। किसी ने अमूर्त कला के तमाम आयाम पेश किए हैं, तो किसी ने रंगों से नए नए संसार रचे हैं। यहाँ आप चित्रकला, मूर्ति शिल्प, ग्राफिक, फोटोग्राफी, ड्राइंग, इंस्टॉलेशन और मल्टीमीडिया सरीखे तमाम माध्यमों के जरिए कला के बदलते आयामों को बेहद व्यापक नजरिए से देख सकते हैं। महिला दिवस के मौके पर दिल्ली में कुछ महिला कलाकारों की पेंटिंग प्रदर्शनी अपने आप में कई सामाजिक संदेश देती है। जानी मानी चित्रकार अपर्णा कौर की गैलरी में लगाई गई इस प्रदर्शनी में खासकर प्रीतिमा वत्स के चित्र लोगों का खास ध्यान खींचते हैं।
राजस्थान के शेखावटी में होली का अपना ही अंदाज है। देश में भले ही कैसा भी माहौल हो, लेकिन यहाँ की मस्त मौला होली और परंपराएं एक खास किस्म की मस्ती से सराबोर होती हैं। आप भी देखिए। अभिव्यक्ति के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ और कुछ और साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।